आज हम महाशून्य मुद्रा के बारे में समझ लेते हैं। किताबों में पढ़ा होगा, गुरु जी के पास से भी आपको इसका ज्ञान मिला होगा, मुझे भी मेरे गुरु जी से जो ज्ञान मिला है वो मैं आपको आज देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये जो महाशून्य मुद्रा है वो एग्जैक्ट कहाँ है, उसका पॉइंट कहाँ पर है वो समझ लीजिए। ये जो मेरा नाभि केंद्र है, ये नाभि केंद्र से अगर मैं खड़ा रहता हूं तो जो नीचे का डिस्टेंस होता है पांव से लेकर नाभि केंद्र, वो जो अंतर होता है इससे नाभि से ऊपर की ओर जो अंतर होगा वहां महाशून्य मुद्रा मिलती है। वो कैसे होती है तो देखो, ये सभी फिंगर्स एक दूसरे के अंदर मिला दीजिए, फंसाना है, उंगली को फंसा दिया, बीच वाली मध्यम आया उसको सीधी रख दिए, देखिए ऐसे बराबर। अब धीरे 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 उसको ऐसा ऊपर की ओर उठाना है और बिल्कुल कान के नजदीक दोनों हाथ रहेंगे और हाथ ऊपर खींचा हुआ रखना है, तो इतना बिल्कुल स्ट्रेट अपने सीधा शरीर को रखना है। तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट और ये नाभि का पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस नाभि से नीचे की ओर होता है। ये जो महाशून्य मुद्रा, ये मुद्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट मिला है महाशून्य पॉइंट कह सकते हैं, इसलिए महाशून्य मुद्रा के साथ ये महाशून्य पॉइंट पर टच करना है। ऐसा करने से क्या होता है तो देखो, शरीर में दो सर्कल बने, यहां से लेकर नाभि तक, फिर नाभि से नीचे के पांव तक दूसरा सर्कल, और ये जो ब्रह्मांड कहते हैं वो ब्रह्मांड में जो शक्ति मौजूद है उसको बोलते हैं प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति उसी को ब्रह्मांडीय शक्ति कहा जाता है, चीति शक्ति, चैतन्य शक्ति, प्राण शक्ति, अलग अलग अंग्रेजी में कहा जाए तो वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो वही प्राण शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, तो वो प्राण शक्ति को हमको अपने भीतर धारण करना है जिससे मेरा शरीर अच्छी तरह से काम करता है। अगर शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ आई है तो उसका कारण क्या है, प्राण शक्ति की कमी। तो ये महाशून्य मुद्रा के साथ ओंकार करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति अपने आप खींच के भीतर प्रवेश करती है, हाथ की उंगली से प्रवेश करती हुई पूरे दिमाग में, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में, हर एक चक्रों में या पूरे बदन में वो फैलती है। जहां जहां खून पहुंचता है वहां वहां प्राण शक्ति भी पहुंच जाती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल में करके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। आप यथाशक्ति 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट कर सकते हैं, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये मैंने उंगली को फंसा दिया, अंगूठा भी देखिए ध्यान से, और बीच वाली मध्यमा मिडल फिंगर उसको मैंने स्ट्रेट सीधी रखी है और मैंने हाथ ऊपर उठाया है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट, यहाँ महाशून्य मुद्रा कर ली मैंने। अब मैं ओंकार करता हूं, 3 बार ओंकार करूंगा। अस्तु, हरिओम तत्सत्।